एक गलती जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप ये गलती नहीं करते तो आप एक चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, आप जो है कहीं ना कहीं जो है अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। वो कौन सी गलती है आज की वीडियो में आपको पता चलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लीकेबल होने वाली वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बोर्ड एग्जाम्स जो है वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक ऐसा फेज है लाइफ का जहाँ पर जो है आपको अपनी लाइफ का 100% एफर्ट डालना पड़ता है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। अब तक आपके स्कूल एग्जाम हो रहे थे, वहाँ पर आपका रिजल्ट कम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर आपको हर एक तरह से प्रेशर रहता है। यहाँ पर चाहे आप पेरेंट्स का प्रेशर मान लीजिए या फिर सोसाइटी का, कि भाई हर एक यहाँ पर इंसान ये जानना चाहता है कि आपका रिजल्ट क्या आया। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि आपको जो है प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, आपसे जितना बन सकता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है प्रेशर तो रहता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक गलती स्टूडेंट कर देते हैं, देखिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, वो क्या है वो सुनिए। आपको जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ के आना है। कहने का मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप बिना आंसर किए हुए आ जाओ, ठीक है। चाहे वो कैसे से कैसा क्वेश्चन हो, आपको जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आना है। कहने का मतलब क्या रहता है, आपको जो है आंसर शीट खाली नहीं छोड़ के आनी है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई इस पेपर का ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आता तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं गाइज, आपको जो है जितने क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर उसमें रहते हैं और में, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो करने होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। क्यों नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो है कुछ एक सब्जेक्ट्स में यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी लिखा तो उसके भी आपको जो है नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स हो गए मैथ, मैथ में सबसे ज़्यादा स्टेप मार्किंग होती है। अगर जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये एक क्वेश्चन है, तो आपने जो है अगर इतना भी सोल्व किया, यहाँ पर दो तीन स्टेप किए, तो उनकी भी जो है स्टेप मार्किंग होगी, तो आपको जो है नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन करने पर ही नंबर मिले, जितने स्टेप आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो स्टेप मार्किंग जो है आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, इनमें जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप लोग जो है ये कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, जितना आता है उतना लिखो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। CBSE जो है उसने कहा है कि भाई हम जो है स्टेप मार्किंग करते हैं, मैथ हुआ, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स के डेरिवेशंस, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में। आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि मैथ में यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद अगर आपने वैल्यूज़ इंक्लूड कर दी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूले में, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं, आप प्रूफ देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा CBSE ने एक बार एक सर्कुलर भी जारी किया था, उसमें जो है उन्होंने दिखाया भी था कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर हर एक स्टेप के जो है नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो जो चेकिंग होती है वो कैसे होती है, स्टेप वाइज चेकिंग, यानी कि एक एक स्टेप जो है उसके नंबर मिलते हैं। ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन देखेगा टीचर तभी आपको जो है पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो पाँच नंबर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है आपको जितना आता है उतना भी करते हैं तो भी आपको जो है नंबर मिल मिल के आप जो है ईजिली पास हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि भाई मैं तो पास ही नहीं हो पाऊँगा, उनको भी जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखने का मतलब गाना लिखना नहीं है, कुछ भी लिखने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रखा है उनकी ही वर्डिंग से चाहे आप आंसर बनाने की कोशिश करो, लेकिन खाली मत छोड़ के आओ, ठीक है। तो ये एक बड़ी गलती है जो कि स्टूडेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि वो क्वेश्चंस को जो है छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने स्कूल एग्जाम्स में भी देख रखा होगा कुछ एक फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आप हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।